नमस्कार, आप सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि आज भारत ही नहीं पूरा विश्व योगा का उत्सव मना रहा है और आज का दिन बिल्कुल उत्सव की तरह ही है। 2015 से यह उत्सव शुरू हुआ और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मुहिम को शुरू किया। आप जानते हैं कि ये उत्सव की तरह क्यों है? जैसे एक उत्सव का एक नाम दिया जाता है, ऐसे ही आज के दिन को एक विशेष नाम दिया जा रहा है, जो कि हम कह सकते हैं एक विशेष थीम दिया जा रहा है। और जो अब की बात योगा का थीम है वो है योगा एट होम, योगा विद फैमिली। आप जानते ही होंगे कि योगा एट होम और योगा विद फैमिली क्यों नाम दिया गया, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है बेटा आजकल, इस कोविड की सिचुएशन को देखते हुए आप लोगों को घर पे सुरक्षित रहना है और घर पर रहकर आपको योगा करनी है, क्योंकि योगा ही एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी पद्धति है जिससे हम अपने आप को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं और अपने आप को स्पिरिचुअली भी हम लोग स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और बहुत गर्व की बात यह है कि ये जो पद्धति है, जो सिस्टम है, ये भारत ने ही दिया है, पूरे विश्व को भारत की ही देन है ये पद्धति को अपनाने के लिए। और हम सबको, जैसे हमारे खाने में हर एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है, हमें सैलेड भी चाहिए, हमें चपाती भी चाहिए, हमें वेजिटेबल भी चाहिए, ऐसे ही हमें योगा को अपने डेली रूटीन का एक पार्ट बना लेना चाहिए। भी बच्चे एक बार अपने योगा पोजिशन में बैठेंगे, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा आप लोगों को बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। Your back should be straight. देखो जैसे मैं बैठ रही हूँ, Your back should be straight. और जो आपकी हाथों की मुद्राएं हैं, देखो ऐसे करना है सभी को। This is ध्यान मुद्रा। वैसे आप किसी भी सुखासन में भी बैठ सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप बैठ सकते हैं। और हम शुरू करेंगे ओम के उच्चारण। इसमें भी खास बात है ओम के उच्चारण में कि कई लोग ऐसे करते हैं कि ओम का जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम रखते हैं और म की जो साउंड है वो काफी कम ज्यादा रखते हैं। ऐसा नहीं है, ओ का उच्चारण हमें ज्यादा रखना है और म के ऊपर वो एंड करना है। इसके लिए सबसे पहले जस्ट क्लोज योर आईज वेरी जेंटली, बड़े आराम से आपको अपनी आंखों को बंद करना है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट लाइट एक्सरसाइज। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आज हम हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करवाएंगे, आज बिल्कुल लाइट एक्सरसाइजेस करवाएंगे जिसको आपको पूरी अपनी रूटीन में अडॉप्ट करना है। आफ्टर दैट जस्ट स्टार्ट अनदर लाइट एक्सरसाइज, दैट इज भ्रामरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपनी जो फर्स्ट फिंगर है, यू हैव टू कीप दिस टू फिंगर्स ऑन फोरहेड and rest of the three fingers you have to keep very gently on your eyes and cover your ears with the thumb and take a deep breath. Okay,
Come to the previous position slowly and just open your eyes very gently, like this. Like this. One, two, four, five. Seven, eight, nine, ten. Relax for 2 seconds. The next one is this. Just make a fist and move like this. One, three, four. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1. ये लाइट एक्सरसाइजेस जो हम आपको आज करवा रहे हैं, ये बहुत ही कम है. बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको बॉडी में स्टिफनेस भी दूर करते हैं. अपने इस योगा सेशन का समापन कल्याण मंत्र से करें. तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने धीरे धीरे आंखों को बंद करेंगे और जस्ट जॉइन योर हैंड एंड स्पीक विद मी दैट कल्याण मंत्र. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु
शर्मा, आपके सामने योगा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं करूँगा अनुलोम विलोम। अब मैं करूँगा कपालभाति। अब मैं करूँगा भ्रामरी। अब मैं करूँगा शीतली शीतकारी। अब मैं करूँगा बटरफ्लाई। ये थी हमारी बटरफ्लाई। अब मैं करूँगा अनुलोम विलोम। अब मैं करूँगा सूक्ष्म व्यायाम। Hello friends, today is yoga day. Wish you all happy yoga day. Today I will share some yoga with you. First is Tadasana. You have to stand on your both toes and interlock your fingers and put your hands upside. Stretch your body upside, just like me. This yoga will improve your height and also stretch your body. Our second yoga is Dhanushasana. In this yoga, you have to do just like me and put your legs up and just like do this. This yoga will improve your digestion and stretch your neck, backbone and your legs, etc. Thank you. योगा डे पर योग करेंगे और उसकी विधि बताएंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पर्वतासन विधि। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाइए। अब श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए। अब नीचे झुकते हुए हाथों की हथेलियों को जमीन से टिका दीजिए। सिर अंदर की ओर हो एवं एड़ियां समतल जमीन पर पूरी तरह टिकी हो। इसके बाद श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए। लाभ, यह आसन मन की एकाग्रता को बढ़ाता है और इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। सेकंड आसन ताड़ासन। सबसे पहले सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाइए। श्वास को अंदर भरने के साथ धीरे धीरे दोनों हाथों को पार्श्व भाग से ऊपर उठाइए। जैसे जैसे हाथ ऊपर उठे वैसे वैसे ही पैरों की एड़िया भी उठाइए। यह आसन हमें 1 से 20 तक गिनती गिनिए के साथ करना है और पुनः सावधान की मुद्रा में वापस आना है। इस आसन को 2 से 5 बार दोहराना है। लाभ, यह आसन सीधा खड़ा होना सिखाता है, संपूर्ण शरीर को अच्छा खिंचाव देता है। यह लंबाई बढ़ाने का एक उत्तम आसन है और यह एकाग्रता को भी बढ़ाता है। फिर सुखासन। सर्वप्रथम पैर फैलाकर जमीन पर बैठ जाइए। एक पैर को मोड़कर उसका पंजा दूसरी जांघ के नीचे रखिए। इसी तरह दूसरे पैर को मोड़कर उसका पंजा पहली जांघ के नीचे रखिए। हथेलियाँ घुटनों पर या गोद में जहाँ सुविधा हो रख सकते हैं। आंखें बंद कर लें तथा कुछ देर इसी मुद्रा में बैठे रहें। इस आसन में सिर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी सीधी समरेखा में रहें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये अंग बुड़ने ना पाए।
लाभ, इस आसन से पैरों की मांसपेशियों में मजबूती आती है और मन की एकाग्रता बढ़ती है। नेक्स्ट आसन है ध्रुवासन। यह आसन करने के लिए सर्वप्रथम सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाइए। अब दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर की जांघ पर अंदर की ओर रखिए। इसके बाद श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने नमस्कार की मुद्रा में जोड़िए और शरीर का संतुलन बनाए रखने का प्रयास कीजिए। इस अवस्था में थोड़ी देर रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस लाते हैं। इसके बाद दाएं पैर को वापस लाते हैं। इसी प्रक्रिया को बाएं पैर से भी कीजिए। लाभ, संतुलन में वृद्धि करता है और आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। और लास्ट में अब हम हलासन करेंगे। इस आसन को करने के लिए पहले सीधे लेट जाइए। अब अपने पैरों को पीछे की ओर मोड़िए, पैरों को जमीन से भिड़ाइए और उसके बाद हम इस आसन को वापस से दोहराएंगे। इस आसन के लाभ है, यह आसन मन की एकाग्रता को बढ़ाता है, इच्छा शक्ति को बढ़ाता है और मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है। ये योग। हेलो, मैं पूजा। आज मैं योग के बढ़ते क्रेज पर आपको कुछ बताना चाहूँगी। 21 जून 2015 से हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जो कि भारत की पहचान है, भारत की देन है, जिसे पूरे विश्व ने समझा है, माना है और उसको अपनाया है। इस कोरोना काल में हमें इतना तो पता चल ही गया है कि इस आधुनिकीकरण के युग में हमें सिर्फ निर्भर रहना है तो अपने शरीर पर निर्भर रहना, हम हैं तो सब है, जान है तो जहान है। हमारे शरीर की मजबूती, इम्यूनिटी पावर, रोगों से लड़ने की ताकत, सबसे ज़रूरी आज के टाइम में यही है। और एक योग है जो हमें मानसिक व शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है, रोगों से लड़ने की ताकत देता है, हमारे शरीर को वो चीज़ें प्रदान करता है जो इस टाइम में हमें चाहिए। मैं TIT परिवार की एक सदस्य हूँ। TIT स्कूल ने भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े ही उत्साह के साथ एज ए फेस्टिवल योग को मनाया, लेकिन मुझे जानकर ये बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा कि वो सिर्फ 21 जून या योग दिवस के दिन ही योग की महिमा का वर्णन नहीं करते, बच्चों को उसी दिन नहीं बताते, बल्कि रोजाना दैनिक जो उनका टाइम टेबल है उसमें भी योग को एक स्थान दिया गया है। मैं सभी टीचर्स का, प्रिंसिपल मैम का, सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि एक योग के दिन ही योग करवाना इनफ नहीं है। आपको अगर अपने बच्चों का भविष्य, गोल्डन फ्यूचर देखना है, तो आपको उन्हें रेगुलर उन हैबिट्स में ढालना होगा जिनका रिज़ल्ट मिले। एक दिन में किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट नहीं मिलता, ये हम सभी को पता है। तो स्कूल की तरफ से ये किया हुआ, आई फील वेरी प्राउड एंड गुड कि हमारे बच्चों को अच्छी जगह और अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम द फादर ऑफ चिराग, 11th क्लास, TIT सीनियर सेकेंडरी स्कूल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी के बीच कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने आप को स्वस्थ रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से लड़ने में योग का बहुत बड़ा महत्व रहा है। आज विश्व योग दिवस पर मैं TIT सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल व पूरे स्टाफ को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे बच्चों को योग की ऑनलाइन क्लासेस देकर उन्हें योग का महत्व समझाया, साथ ही उन्हें स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित किया। आज पूरे विश्व के साथ TIT सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी अपने बच्चों के साथ ऑनलाइन क्लासेस लेकर विश्व योग दिवस मना रहा है, जिसके लिए मैं एक बार फिर से ऑल स्टाफ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि TIT सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिवार हमेशा स्वस्थ व सुरक्षित रहे और हमेशा ऐसे ही उन्नति करता रहे। जय हिंद, जय भारत।